हाय फ्रेंड, जय माता दी। और मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सरस्वती पूजा का दूसरा दिन, तो हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग खोइछा दे रहे हैं सरस्वती माँ को। तो हो सकता है आज ही विसर्जन हो सरस्वती माँ का, देखिए क्या होता है। तो मैं पूरा लगातार आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी विसर्जन का। और हम लोग को आज एक जगह जाना भी है, किस लिए हम लोग इतना सारा रेडी हुए हैं ये भी मैं सब भाभी लोग जैसा देख रहे हैं, वो सब लोग रेडी हुए हैं। मंदिर है वहाँ, हम लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग अभी खोइछा वगैरह जो है वो सब भर दिए हैं। हो सकता है शाम तक विसर्जन हो जाए, तो खोइछा वगैरह मतलब होता है ना कि बिना, अच्छा ठीक है, तो होता है ना कि मतलब खाना खाने से पहले यहाँ खोइछा भरा जाता है, तो हम लोग पहले मतलब अभी तक खाए नहीं है, तो खोइछा हो गया हमारा रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। और हमने प्लेट ली है ना, तो अच्छा निकाल दूंगी। तो पलंग के नीचे आराध्या ने घोड़ा गिरा दिया अपना, पता नहीं कौन सा खिलौना, वो बार बार बोली निकालने के लिए। तो मैं साड़ी पहन ली हूँ तो मैं नहीं घुस रही हूँ निकालने के लिए। तो यहाँ अभी आज विसर्जन तो हो गया और हमारे जो भाभी रहती हैं बगल में, उनका घर मतलब आज गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश का पूजा है, तो उसमें भी जाना है। तो एक ही बार मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया, अब मैं सीधे चलती हूँ गृह प्रवेश में। तो वहाँ का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सबसे मिलूंगी और जो भी पूजा पाठ होगा वो भी शेयर करूंगी। और आराध्या तो रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक आरव नहीं आया है, तो आरव स्कूल से आएगा, उसको कुछ हल्का टिफिन करा दूंगी और खाना पीना सब वही है। और चलिए आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो अभी चलती हूँ वहाँ आरव को रेडी करके लेके, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है आज वाला, तो लगातार आप लोग बने रहिएगा और वॉच करते रहिएगा, और कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, घर से हम लोग निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं यहाँ पे गृह प्रवेश का, जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे। और अभी हमारे सारे मोहल्ले के लोग तो नहीं आए, धीरे धीरे सबको आ रहे, कुछ लोग हम लोग आ गए हैं। और यही भाभी का गृह प्रवेश है जो हमारे ठीक ऊपर रहती थी, तो उनका ही घर बना है, हमारे मतलब क्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो पास में ही बना है। तो बस हम लोग गृह प्रवेश के लिए पहुँच चुके हैं और पूजा तो है ना सुबह से ही स्टार्ट था, तो हम लोग भी घर में पूजा करके माँ सरस्वती का जो भी मतलब पूजा पाठ था वो सब कर दिए थे। हो सकता है आज अगर टाइम मिले तो, क्योंकि विसर्जन भी हम ही सबको मिल के करना है और यहाँ भी पूजा मतलब काफ़ी टाइम तक चलेगा, तो हो सकता है आज ही विसर्जन हो। तो नेक्स्ट मैं अपने अलग वीडियो में आप लोगों को विसर्जन का भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो रहा है और हम लोग गए तब तक मतलब आधा पूजा लगभग हो चुका था। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं कलश मतलब स्थापित किया गया है, तो बहुत सारा कलश होता है, कलश उठाया जाता है सबके द्वारा और सारे रूम के मतलब जो भी दरवाजे होते हैं तो वहाँ कलश हर जगह रखा जाता है। तो मैं चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ, एक दो रूम आप लोग को जैसा देखी, और ये है हॉल, छोटा सा होम टूर भी आप लोग का करा दे रही हूँ मैं। ये हॉल है और एक यहाँ से फिर से एक बेडरूम है, तो अभी नीचे ही सब कुछ मतलब हो रहा है। अभी धीरे धीरे क्वार्टर से सारा सामान ला के वो लोग भी यहाँ शिफ्ट होंगे। और ये बाथरूम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किचन, और किचन बड़ा ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है, तो किचन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ किचन में बहुत अच्छा से मतलब हर चीज़ सेट हुआ है, तो आप लोग भी देखिए वीडियो लगातार और जुड़े रहिए वीडियो में, पूरा गृह प्रवेश में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो चलिए जुड़े रहिए।
फ्रेंड्स, यहाँ पे चूल्हा का पूजन हो चुका है और पंडित जी मतलब चूल्हा पूजन करवाते हैं। और होता है ना थोड़ा मतलब हम लोग सबको एकत्रित होते हैं, कोई फंक्शन होता है तो सबको एकत्रित होते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग सबको एकत्रित हुए हैं एक जगह, और यहाँ पे हमारी जो आंटी हैं तो उनको आप लोग देख रहे हैं, तो इनका भी रिटायरमेंट हो चुका है आंटी का, और अभी वो भी आई थी तो अच्छा लग रहा था। और लगभग लोग आ चुके हैं जो भी आसपास के हैं, और हमारे जो भी क्वार्टर के हैं वो लोग भी सब कोई आ चुके हैं। और यहाँ पूजा मतलब अब लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, हवन वगैरह हो रहा है, फिर भी गृह प्रवेश का पूजा जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। तो वीडियो में आप लोग भी जुड़े रहिए, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा पाठ समाप्त हो चुका है और हम लोग अब प्रसाद खा रहे हैं। सब भाभी लोग, हमारे कॉलोनी के सब भाभी लोग बैठे हैं और सबको हम लोग प्रसाद एक साथ खा रहे हैं, और कुछ कुछ सेल्फी वगैरह क्लिक हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मतलब ऐसे भी गृह प्रवेश का पूजा होते होते काफ़ी टाइम हो ही जाता है, तो हम सबका ही सेल्फी एक साथ हम लोग लिए और बहुत ज़्यादा मस्ती भी किए। होता है ना थोड़ा कहीं भी एकत्रित होते हैं सब कोई तो थोड़ा हंसी मजाक होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं भी अब चलिए प्रसाद खाती हूँ, और इस वीडियो को आज ही आप लोग को ये वाला वीडियो मिल जाएगा, तो इस वीडियो को करूँगी घर जाके एडिट। तो चलिए, ये वाला ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।